हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है सैनवी व्लॉगर चैनल पे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिवोकेशन ऑफ विल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ कंसेंट क्या होता है, पूरा मैंने डॉक्ट्रिन अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड हो, मुस्लिम लॉ से रिलेटेड हो, वीडियोस मिलते रहे रेगुलरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो रिवोकेशन ऑफ विल, जैसे कि मैंने आपको रिवोकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बताया था, रिवोकेशन उसमें भी होता है, रिवोकेशन ऑफ हिबा होता है, या फिर रिवोकेशन ऑफ गिफ्ट अंडर मुस्लिम लॉ में मैंने आपको बताया था, वैसे ही रिवोकेशन ऑफ विल भी होता है। विल को भी आप रिवोक कर सकते हो एट एनी टाइम। मोहम्मदन लॉ कन्फर्स ऑन अ टेस्टेटर अनफेटर्ड राइट टू रिवोक हिज विल, ही मे रिवोक इट एट एनी टाइम। ठीक है, तो अब रिवोकेशन जो है ये दो तरह से हो सकता है। पहला इम्प्लाइड, आप इम्प्लाय कर सकते हो थ्रू इम्प्लीकेशंस, एंड सेकेंड थ्रू एक्सप्रेस। तो सबसे पहले हम लोग इम्प्लाइड वे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इम्प्लाइड रिवोकेशन क्या होता है? रिवोकेशन ऑफ अ बिक्वेस्ट मे बी इम्प्लाइड, मतलब आप किसी भी विल को रिवोक कर सकते हो थ्रू इम्प्लीकेशंस। फॉर एग्जाम्पल वेयर द टेस्टेटर सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल, जहां पे टेस्टेटर जो है वो सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर कर देता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ विल, या फिर डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर उसके नेचर को पूरा कंप्लीटली चेंज कर देता है, या फिर कुछ एडिशंस कर देता है उस सब्जेक्ट मैटर ऑफ द विल में टू इट विदाउट वेस्ट द प्रॉपर्टी, जिससे कि वो प्रॉपर्टी जो है या फिर प्लॉट ऑफ लैंड या फिर एनीथिंग दैट कैनॉट बी डिलीवर्ड एक्सेट्रा। अब हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेयर ए बिक्विथ्स अ लैंड। बिक्विथ का मतलब आता है लीव्स अ लैंड। तो यहां पे है वेयर ए छोड़ता है एक लैंड या सर्टेन प्लॉट ऑफ सर्टेन एरिया ऑफ लैंड टू बी। ठीक है, उसके बाद ए ने उसी लैंड पे एक घर बना लिया, तो ये जो विल जो है ये रिवोक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए ने जब बी को लैंड दे दिया उसके बाद उसने उसके ऊपर घर बना लिया, इसलिए वो रिवोक हो जाएगा। अगर वो घर नहीं बनाता तो रिवोक नहीं होता, बी के नाम पे आ जाता। इसका सिंपल मतलब आता है कि ए नहीं चाहता था कि बी कुछ यूज करे, बी को मिले, इसलिए उसने घर बनवा लिया उस प्लॉट ऑफ लैंड के ऊपर। तो ये विल जो है ये रिवोक हो जाएगा। सिमिलरली वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बिक्वेस्ट ऑफ विल और विल, अगर कोई सब्जेक्ट मैटर ऑफ द विल, अगर विल जो है या फिर वसीयत जो है, अगर उस पे उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर कोई घर है या फिर बंगलो है या फिर फ्लैट है या फिर कोई सर्टेन रूम है, और जो टेस्टेटर है या उसको बेच देता है या फिर उसको गिफ्ट में दे देता है एज हिबा दे देता है किसी को, देन द रिवोकेशन इज कंप्लीट बाय इम्प्लीकेशन। तो वो इम्प्लाय करता है कि टेस्टेटर उसको अपने टेस्टेटर उस प्रॉपर्टी को या फिर उस घर को लेगेटी को नहीं देना चाह रहा, वो रिवोक कर दिया सिंपली बाय सेलिंग इट और बाय मेकिंग अ गिफ्ट। ओके, आई होप कि आपको इम्प्लाइड रिवोकेशन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे एक्सप्रेस रिवोकेशन, एंड एक्सप्रेस रिवोकेशन में भी ओरल और रिटन। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट में आप एग्रीमेंट जो साइन करते हो वो आप ओरल भी कर सकते हो या फिर रिटन भी कर सकते हो, वैसे ही आपका रिवोकेशन जो आपका है एक्सप्रेस रिवोकेशन, ये आपके या तो ओरल हो सकता है या तो रिटन हो सकता है, आपका दोनों आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ए मेक्स अ टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन ऑफ लैंड। टेस्टामेंटरी डिस्पोजिशन ऑफ लैंड मतलब हुआ कि ट्रांसफर ऑफ लैंड इन फेवर ऑफ बी। ए ने एक सर्टेन प्लॉट ऑफ लैंड ट्रांसफर किया इन फेवर ऑफ बी। ठीक है, अब एट एनी टाइम आफ्टर मेकिंग द डिस्पोजिशन, अब जब उसने ट्रांसफर कर दिया उस सर्टेन प्लॉट ऑफ लैंड को, तो कुछ देर बाद वो बोलता है, कौन बोलता है? ए बोलता है द लैंड दैट आई गेव टू बी, जो लैंड, जो प्लॉट ऑफ लैंड मैंने बी को दिया वो एक्स के लिए था, बी के लिए नहीं था। तो ये वर्ड जो उसने बोला दैट विल अमाउंट टू एक्सप्रेस रिवोकेशन ऑफ द विल। इन इंटरप्रिटेशन ऑफ विल्स द इंटेंशन
अब विल का जो इंटरप्रिटेशन अगर आप करोगे तो उसमें जो टेस्टेटर का जो इंटेंशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है पार्ट आपका. अगर आपको इंटेंशन पता चल जाएगा दैट विल बी गुड. दस इफ द टेस्टेटर बिक्विथ्स बाय अ विल द सेम प्रॉपर्टी, अगर कोई टेस्टेटर अगर छोड़ता है कोई भी प्रॉपर्टी विल के थ्रू टू टू और मोर, दो से ज्यादा आदमी लोग को देता है, तब वो वही दो या तीन लोग अगर एक अगर मान लीजिए आप कि ए जो है टेस्टेटर है और बी सी डी जो है वो उसको विल वो प्रॉपर्टी देता है बाय अ विल, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा बिटवीन बी सी डी. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्या समझ में नहीं आया, मैं रिपीट कर दूंगा. और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए कीजिए ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को ताकि आपको और भी लॉ से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें. और मैं क्लैट का क्रैश कोर्स भी करा रहा हूं, अगर आप क्लैट 2021 दे रहे हो तो आप जरूर दीजिए. आप मेरा क्लैट का क्रैश कोर्स का मैं लिंक उसका दे दूंगा. ओके, तो आप जरूर आप जाके देखिए. और अगर कोई डाउट आया है यहां तक अभी तक समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा. तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ. थैंक यू.